इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा जैसे शहरों में 1500 से ज्यादा केस सामने आ चुके। इसके अलावा दूसरे शहरों में भी करीब 200 मरीज हो सकते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई। हालांकि कई मामले ऐसे जहां म्यूकर माइकोसिस को शुरुआत में ही डिटेक्ट किया जा रहा और उसके बाद मरीजों की सर्जरी हो रही। डॉक्टर्स का कहना है कि एक मरीज के इलाज के लिए 120 इंजेक्शन की जरूरत होती है। अभी तक ये इंजेक्शन बैचेस में मिल रहे हैं, लेकिन अगर आगे केस इसी रफ्तार से बढ़े तो दवा की किल्लत हो जाएगी, मरीजों को बचाना मुश्किल होगा। हालांकि पिछले हफ्ते गुजरात सरकार ने दावा किया कि उसने सभी शहरों को ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शंस की 5,000 वॉयल्स भेजी हैं, लेकिन ये कोशिश कम पड़ रही है। आज गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि दवा की कमी को लेकर सरकार ने क्या प्लान बनाया है। अब आपको बताते हैं ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस के मरीजों को साइनस की परेशानी होती है, नाक बंद हो जाती है, नाक की हड्डी में दर्द होता है, नाक से काला तरल पदार्थ या खून बहने लगता है, आंखों में सूजन आ जाती है, धुंधला दिखने लगता है, साथ ही सीने में दर्द होता है और बुखार भी आ सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे नौजवानों में भी ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने लगे जो डायबिटिक नहीं है, जिनकी डायबिटीज की कोई हिस्ट्री नहीं है। ऐसे लोग जो किसी भी तरह वेट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं थे, जिन्हें ऑक्सीजन लगी नहीं, जो होम आइसोलेशन में थे, उन्हें भी ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस अपनी चपेट में ले रहा है। आमतौर पर ब्लैक फंगस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, उन लोगों को जल्दी होता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। जो लोग वेट कंडीशंस में रहते हैं उन्हें नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है। जो शुगर के पेशेंट्स हैं उन्हें इसका खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि कोरोना के गंभीर मरीजों को डॉक्टर इलाज के दौरान स्टेरॉयड देते हैं, इससे शुगर लेवल बढ़ जाता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इसीलिए कोरोना के मरीजों को ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस की संभावना ज्यादा होती है। कम से कम मैंने 20 फंगल जो ब्लैक फंगस बोलते हैं म्यूकर माइकोसिस, वो पोस्ट कोविड पेशेंट्स में हमने देखा है। इसकी मैं थोड़ा सा जांच किया तो मेरे को पता चला कि जिसका जैसे यंग पेशेंट मेरा एक अभी हॉस्पिटल में एडमिट है 35 साल का नॉन डायबिटिक, लेकिन उसको भी ब्लैक फंगस हो गया। ये क्यों हुआ? ये लोगों को सबको स्टीरॉइड दिया गया है और स्टीरॉइड देने के बाद ब्लड शुगर कंट्रोल दिखा नहीं गया। हमारे पास जब आया इसका आंखों में सूजन और देखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो गया था, तो उसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज था। हमने एंडोस्कोपी किया तो ब्लैक फंगस दिखाई दिया, यानी कि म्यूकर माइकोसिस। हमने उससे छोटा सा पीस निकाला और वो ब्लैक फंगस भी निकला, म्यूकर माइकोसिस। तो उसको तुरंत हमने ऑपरेशन किया और सब कुछ करने के बाद विद इन 24 आवर्स वो बहुत इंप्रूवमेंट कर गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।